भी रहे हैं कि कई बड़े फैसलों में क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं व्यक्त हो सकती है। अभी प्लेट अगर हम चला दें, ये 100 दिनों के लिए काम शुरू हो चुका है, लेकिन 2029 का इंतजार करने के मूड में मोदी जी नहीं है। वो इन्हीं सोच रहे कि 5 साल हमारे पास आने वाले हैं तो हम इसका इंतजार करें। 100 दिन के अंदर उन वादों को पूरा किया जाएगा जो बीजेपी ने किए। बिल्कुल, प्रचार से पहले अफसरों को होमवर्क करने के लिए कह दिया गया है। ये कहा गया है कि अगस्त तक सरकार बड़े फैसले ले सकती है जिसमें कई चीजें हो सकती हैं। और ये कहा गया है, देखिए जुलाई में यूनियन बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि इंटरिम बजट था, हमने देखा था फरवरी में, और यूनियन बजट जुलाई में पेश किया जाएगा, यानी वो बातें उनको पूरा कर दिया जाएगा। और ये देखिए मृदुल, ये हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे जो मोदी सरकार है कहती ही नहीं वो करती भी है। इन 10 सालों में हमने देखा, और अब फिर से उस नए टेन्योर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार, एग्जिट पोल इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो तस्वीर हमने देखी आई है, अगर आपको एक और ग्राफिक समझाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से अभी तक जो है मोदी सरकार 3.0 किस तरह से काम करने वाली है। 30 दिन में आर्मी चीफ की नियुक्ति होगी, ये पहली बड़ी बात श्वेता। और दूसरी बड़ी बात है आईबी के इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी के डायरेक्टर की नियुक्ति भी संभव है। तीसरी बड़ी बात मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर फोकस सरकार का रहने वाला है, यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा बिना रुके बिना देरी। और पांचवी और आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, 13 जून को G7 बैठक में जा सकते हैं। याद होगा श्वेता, मोदी ने बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि विश्व में भी इस बात की चर्चा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले। और हमने ये देखा भी कि कैसे विश्व में उन अखबारों में जो बड़े अखबार है उसमें भी चर्चा हो रही है कि वादों को, लोगों के विश्वास को अगर किसी ने पूरा किया है तो वो है मोदी सरकार। यानी आप ये समझिए कि दुनिया भी मानती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा, वो भी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक रिपोर्ट देखिए। चार जून सत्रहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। वो 4 जून को नतीजे आने के बाद अपनी सरकार की तीसरी पारी की तैयारियों में जुट गए हैं। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी बता रहे हैं कि मोदी का जलवा 24 में भी बरकरार है। जनता की पसंद आज से 10 साल पहले भी मोदी थे और आज भी मोदी ही देशवासियों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी NDA एग्जिट पोल में भी बन रही है और एग्जैक्ट पोल में भी बनेगी। एग्जैक्ट का भी हम इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में मोदी की लहरी नहीं सुनामी है, और हर एग्जिट पोल यही कह रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे। पूरे देश में दिख रहा है कि तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता के बीजेपी पर भरोसे और विश्वास के कारण इंडी औंधे मुंह गिर रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस बार इंडी अलायंस का जादू नहीं चला। जिन मुद्दों पर इंडी ने पूरे चुनाव को मोदी के खिलाफ खड़ा किया, उन मुद्दों को जनता ने नकार दिया। लेकिन विपक्ष को एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं हो रहा। एग्जिट पोल के अनुमान को विपक्षी पार्टियों ने सिरे से खारिज कर दिया है और वो दावा कर रहा है कि सरकार इस बार उनकी ही बन रही है। मोदी जी इस बार सत्ता से बाहर तय हो चुके हैं। अब जितने भी नोटों की करो, बीजेपी पार्टी जितने भी हथकंडा अपनाए और ढिंढोरा पीटते रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मोदी जी सत्ता से बाहर। विधानसभा में लोगों ने छत्तीसगढ़ी मन बना रखा है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। कांग्रेस एग्जिट पोल को फर्जी बताते हुए इसे मोदी के माइंड गेम का हिस्सा करार दे रही है, तो राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल बता दिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी जो स्थिति आज, गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है। उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। राहुल गांधी जी चिंता मत करो, जब आप 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो खटाखट फटाफट तो सपासट सब हो जाए। एग्जिट पोल भी कह रहा है, और 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो 66 कांग्रेस होगी। छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाइए, वही अच्छा हो। राहुल गांधी एग्जिट पोल पर ऐसे भड़के कि उन्हें सिद्धू मूसेवाला की याद आई और उनका टेप 295 पर अटक गया।
इस पर बीजेपी ने भी जोरदार हमला बोला। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। लोगों ने भी उनको फटाफट यहाँ से विदा कर दिया, खटाखट विदा करके। एक भागेंगे विदेश, एगो पेटकुनिया देंगे किसी मस्जिद में जाकर। वहीं अखिलेश यादव भी एग्जिट पोल को सरकारी कहकर खारिज कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करने वाले शहजादों को प्रमोद कृष्णम ने भी अपने अंदाज में जवाब दे दिया। 4 तारीख के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे, विदेशों में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए को बढ़त मिलता देख पूरा विपक्ष बौखला गया। तभी तो सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो अपने बाल मुंडवा लेंगे, जिस पर भी सियासत खूब गर्मा रही है। हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और अक्सर गर्मी में लोग, एक तो खर्चा कम आता है और दूसरा गर्मी में सिर ठंडा रहता है, तो उसके कारण लोग बाग अक्सर ऐसा काम करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने सोच समझ के किया है कि एक बार 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 बाल कटवाने का झंझट खत्म हो जाएगा और गर्मी से निजात मिलेगी। साफ एग्जिट पोल में एनडीए की एक बार फिर बंपर बहुमत के साथ सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिससे विपक्ष में बौखलाहट है। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, जब ये साफ हो जाएगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, कौन केंद्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नतीजे सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा, लेकिन नतीजे आने से पहले जो एग्जिट पोल श्वेता आए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि कुछ बड़े स्टेट हैं, बड़े राज्य हैं, जहां पर अलग तरह के समीकरण हैं और इन समीकरणों का फायदा किसे मिला है अब जरा वो समझ लेना चाहिए। बिल्कुल अमृतुल, एक बात और भी है, इन समीकरणों में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का वो प्रदर्शन रहा है जिससे चौके भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात रही है वो रही है उत्तर प्रदेश। हाँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ी। बिल्कुल, और राम मंदिर मुद्दा चल गया, लेकिन क्या नहीं चला? बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि अलग अलग रैलियों में इंडिया अलायंस ने यही बोला, लेकिन नहीं चल पाया। श्वेता, धारा 370 हटी और ये कहा गया ये जरूरी था, लोगों को भी लगा ये जरूरी था और ये भी मुद्दा चला है। और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई का मुद्दा लगातार बोला गया लेकिन चल नहीं पाया, जनता तक पहुंच नहीं पाया। जनता को ये लगा कि ऐसा नहीं है कि एकदम चरम पर है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ। आगे देखिए, सबसे अहम है देश को आगे ले जाना, विकास की बयार को बजाना, और ये विकास जो है ये लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, चल भी गया। और बड़ी बात क्या है, जातीय जनगणना नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि अब भारत में जाति की राजनीति को लेकर नहीं कहा जा रहा है कि इसे चला जाए, और इसलिए ये नहीं चल पाया। और देखिए एक बात और, एक अगर आप देखेंगे तो एनडीए किस मुद्दे पर लड़ा, उसने कहा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, लगाते चले जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अलग से आयोग भी बनाएंगे कि वो लोग भ्रष्टाचारी जिनकी संपत्ति आ रही है उसको जनता के बीच बांट दिया जाए, लोगों को ये भी मुद्दा भाया। और सबसे बड़ी बात ये बंटवारे की जो बात आई, संपत्ति बंटवारे की, वो नहीं चल पाया, क्योंकि इंडिया अलायंस ने यही कहा कि बंटवारा होगा लेकिन चल नहीं पाया। और उधर बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा श्वेता। और मृदुल देखिए, दिलचस्प बात कि इस बात को कन्विंस कर गई बीजेपी पूरी तरह से कि ओबीसी के हक पर डाका डाला गया, कर्नाटक का जो मॉडल ओबीसी के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया वो भी मान रहा है देश, ये मुद्दा भी चला। और संविधान को लेकर देखिए दर्शकों, बड़ी चर्चा हुई, अलग अलग राज्य जो इस समय हमें देख रहे हैं वहां पर भी आपके जहन में ये मुद्दा आया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब कहा कि 10 साल हमने कुछ नहीं किया तो अब ये मुद्दा कैसे बदल सकता है, इसलिए संविधान का मुद्दा भी चल नहीं पाया। और ये जो लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में दोष को लगता है, भाई कोई संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि संविधान को तो मोदी सरकार ने ही सुरक्षित बिहार पे आ जाते हैं, बिहार पे आ गए। और सबसे बड़ी बात ये, बिहार में क्या चला? मोदी फैक्टर काम कर गया श्वेता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और पटना का रोड शो नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम इससे पहले वाली प्लेट चला दें तो जातिगत जनगणना की जो बात इंडी गठबंधन करता रहा, उससे बिहार वालों ने कह दिया कि भाई ये सब हमें मत दिखाओ। जांच एजेंसियों का डर दिखाता रहा कि डर जांच एजेंसियों के जरिए हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुद्दा बिहार में नहीं चला। बिल्कुल, और एक एक करके ग्राफिक्स चलाएं थोड़ा धीरे, क्योंकि दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा था, दूसरी तरफ विकास का मुद्दा था, तो विकास आरक्षण पर भारी रहा है, ये बिहार के समीकरण कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहूंगे कि आगे ग्राफिक से बढ़े, हमें एक बात जरूर बात करनी चाहिए, परिवारवाद की। याद है आपको, मैं हूँ मोदी का परिवार, यहीं से शुरू हुआ था जब परिवारवाद को लेकर के लालू ने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है कि जिस तरह से
जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे इंडिया अलायंस की तरफ से श्वेता, वो कामयाब नहीं हो पाए। और इसका एक फैक्टर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भी इस बात का जिक्र करते रहे, और जब रैलियों में इस बात का जिक्र किया तो वो जनता के आगे बढ़ते हुए पहुंचा है मुद्दा, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी जीत एग्जिट पोल दिखा रहे हैं।